हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आप लोगों के साथ एक DIY शेयर करने वाली हूँ। DIY हैंगिंग रोप शेयर करने वाली हूँ। मुझे पता नहीं, किचन में प्लांट्स रखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने मनी प्लांट रखे हैं 3 ऑलरेडी। पर क्या हो रहा है ना, ओटे पे भर जा रहा है, तो मेरे पास एक ग्लास में मनी प्लांट था जिसको कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो आज सडनली ये रोप, मैं कुछ सामान निकाल रही थी तो नीचे गिर गया। तो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि मैं इससे DIY मतलब कर सकती हूँ और हैंगिंग ये बना सकती हूँ, पॉट हैंगर। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 4 पेयर्स लिए हैं रोप के। आप ये पुराने टी शर्ट से भी बना सकते हैं, पुराने टी शर्ट से भी। जल्दी आपको बताऊंगी कैसे बना सकते हैं। सेम मेथड है, मेरा बॉटल छोटा है इसलिए मैं ये रोप से बना रही हूँ। ये मेरे स्टिचिंग का कुछ रोप है, तो दो दो रोप को पकड़ के और नॉट डाल लेना है। आप यहाँ पे 8 पेयर्स भी ले सकते हैं, पर पेयर्स में लेना है, यानी एक स्ट्रैंड को पेयर में, यानी दो स्ट्रैंड्स का एक स्ट्रैंड बनाना है, तभी ये मतलब डिज़ाइन जो है वो अच्छा बनता है और थोड़ा मजबूत भी बनता है, ताकि आपका जो बॉटल है या फिर जो भी पॉट है वो गिरे ना। तो आप में से कितनों को पसंद है ऐसे DIY करते रहना, या फिर किचन को रोज कुछ ना कुछ अलग अलग सेटिंग करना, या घर में कुछ सामान इधर का उधर करके रोज सेटिंग चेंज करते रहना, कितनों को पसंद है मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत पसंद है और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही कुछ करूँ, किचन में ही कुछ करूँ। किचन में ये अरेंज कर सकती हूँ अच्छे से, ये ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, ये DIY कर सकती हूँ, वो DIY कर सकती हूँ। ऐसा मेरा दिमाग में दिन भर किचन 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 ही चलता है, क्योंकि हम लेडीज मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही रहते हैं। सुबह उठते हैं, चाय कर बनाते हैं, चाय बनाने के बाद नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करने के बाद चाय बनता है, फिर चाय हो जाता है, दोपहर को खाने में क्या बनेगा बोल के दोपहर का खाना बनाते हैं, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स, फिर नाइट में डिनर। इस बीच में बच्चों की छोटी छोटी भूख में भी हम किचन में ही रहते हैं, और मेरी तो इतनी गंदी आदत है, मैं किचन में ही बैठ के खाना भी खाती हूँ। तो दिन भर मैं किचन में ही रहती हूँ, तो किचन को ही ऑर्गेनाइज करने की सोचती रहती हूँ कि ये यहाँ रखने से अच्छा रहेगा, ये वहाँ रखने से अच्छा रहेगा, किचन में सामान ऐसे रखने से अच्छा रहेगा। तो आप में से कितनों को किचन में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है मुझे बताइएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे हॉल बेडरूम इनसे अच्छा सब सबसे ज़्यादा टाइम पास मेरा किचन में होता है। तो किचन को कुछ ना कुछ डेकोरेट करते रहेंगे, अपने हिसाब से सेट करते रहेंगे, तो मुझे अच्छा लगता है सेट करते रहना। मैं बहुत सारी चेंजेस कर चुकी हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे कि काउंटर टॉप को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। अब मेरा काउंटर टॉप वैसा नहीं है, अब और अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, और अभी कुछ दिन और वेट करूँगी और किचन में थोड़ी बहुत चेंजेस करूँगी, ताकि किचन रोज़ नया लगना चाहिए। जब प्लेस नया लगता है ना, तो काम करने की इच्छा भी बहुत अच्छे से होती है। तो देखिए, मैंने सभी नॉट्स बांध लिए, अभी फाइनल नॉट लटकाने के लिए ऊपर में एक नॉट लगा लूँगी। तो नॉट लगाते टाइम आप यहाँ पे राउंड वाला हुक भी लगा सकते हैं, ताकि हैंग कर सके। मैंने हुक नहीं लगाया है, क्योंकि कीले पे ही लटकाना था मुझे, और आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि कहाँ पे लटका रही हूँ, मतलब कहाँ पे हैंग किया है इसको, वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि बस दिखा दिया ऐसे मैंने बनाया, और इसको कहाँ यूज़ किया वो नहीं पता है, तो फिर बना के क्या फ़ायदा। तो देखिए, यहाँ पे बीच में मेरा बॉटल आ जाएगा अच्छे से। मैं मतलब अगर आपको कोई बड़ा पॉट रखना है, तो जो गैप है नॉट्स के बीच का गैप है, उसको बड़ा करिएगा, ताकि वो दूर तक फैले। तो मेरा छोटा सा बॉटल था इसलिए मैंने पास पास में लिया है नॉट्स। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पे हैंग किया है, आप देख सकते हैं, ये वॉल स्टिकर के साथ अच्छा लग रहा है ना, पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे कुछ है। कैसे आप सब, तो गाइस ये आपको पता है क्या है, पंजीरी से कहते हैं। घी में आटा को अच्छे से भून के शक्कर डाल के खाते हैं। तो बचपन में तो मेरी नानी के यहाँ जब भी जाते थे बहुत खाते थे, और बहुत मीन्स बहुत, इवन तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी इसको बहुत खाया है। और पता नहीं, एक हफ्ते से ना मुझे ये खाने की इच्छा हो रही थी, तो बनाऊंगी बनाऊंगी सोच के टाइम ही नहीं मिला था, फाइनली मैंने बना लिया है। तो अब ये ठंडा होगा तो खाऊंगी, और इसको स्टोर भी करके रखूंगी, ताकि जब मर्जी हो तब खा सकूं। तो आप में से कितनों को पंजीरी पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा झलक दिखाती हूँ मेरे किचन का। तो सेट नहीं है, पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया वॉलपेपर लगाया है, तो वही दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मनी प्लांट रखा है, और मेरी मम्मी पूछ भी रही थी कि
क्यों पूरे मनी प्लांट लेके जाके किचन में रखती है। ये देखिए यहाँ पे एक रोप से मैंने ये मनी प्लांट को लगाया है और सेम वैसे ही एक हैंगिंग बनाया है, पर इसको निकाल दूंगी क्योंकि ना झाड़ पूरा एकदम ऐसे पकड़ के रह रहा है ऐसा लग रहा है, तो इसको निकाल दूंगी। तो ये देखिए किचन अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है बताइएगा। ये मुझे स्टिकर पड़ा था 300 रुपीज़ में पड़ा था 5 मीटर्स। और ये देखिए यहाँ मैंने एक DIY किया है क्योंकि ना कॉर्नर में गैस जाने के कारण क्या हो रहा था, मुझे जो लास्ट वाला ये है ना गैस यूज़ करने में नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो अपने रोज के यूटिलिटी के सामान है वो रखूँ। तो बहुत नीचे जा रहा था तो मैंने जो पुराने थर्मोकॉल रहते हैं ना उससे कुछ DIY स्टेज टाइप उसके लिए बनाया है ताकि जो रोज के यूटिलिटी के सामान है इजीली मुझे काम में ला सकूं। और ये देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक आया। और देखिए मैं शायद से अभी बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास कितने सारे प्याज हैं। आप लोगों को प्याज की वैल्यू तो पता चली गई होगी अभी तक। तो ये मैंने 100 रुपये में 3 KG लेके आए थे। छोटे छोटे प्याज ये चाहिए मुझे, क्या होता है ना बड़े बड़े प्याज काटते, इतने बड़े प्याज भी रहते हैं ना तो मैं पूरा प्याज नहीं यूज़ करती हूँ, तो फिर आधा काट के रखती हूँ और भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने छोटे छोटे प्याज लिए ताकि एक बार में अगर मुझे एक चाहिए तो एक, दो चाहिए तो दो, जितने चाहिए उतने कट कर सकूँ। तो देखिए यहाँ तक आया और मेरा स्टिकर ख़त्म हो चुका है, तो दूर से दिखा देती हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि मैं जंगल में काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, जाके अपनी पंजीरी एंजॉय करती हूँ, फिर आप लोगों को कल सुबह मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। तो आज है फ्राइडे और अभी कितने बज रहे हैं, सुबह के 11 कुछ बज रहे हैं, और कल थोड़े बहुत वीडियो शूट किए थे तो आज सोची थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। भरत सो के लिखित स्कूल चले गए, मेरे हस्बैंड वर्क पे चले गए तो कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं, नींद आ रही थी, पर सो जाऊंगी तो फिर लिखित को लाने में देर हो जाएगी। और देखिए मैंने घर पे ना लेयर कट किया है, कैसा लग रहा है बताइएगा, खुद से किया है। अब जल्दी शेयर भी करूँगी, मेरा नहीं, जब मैं दीदी के पास जाऊँगी ना उसका भी लेयर कट करूँगी, तो कैसे करना है घर पर लेयर कट वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे कलर्स निकल गए बाल के, अभी थोड़े रेड से ना ब्राउन हो गए। और सुबह उठी तो बहुत ही अच्छी वाली गुड न्यूज़ मिली है, तो गुड न्यूज़ आप लोगों को पता ही होगा, पास्ट में जो भी क्या प्रियंका रेड्डी जस्टिस फॉर दिशा जो भी था उसको बहुत ही अच्छा मीन्स रिज़ल्ट मिला है, तो बहुत खुशी हुई। एक्चुअल में मेरी सुबह उठते बराबर मेरा अलार्म बज रहा था, मैं अलार्म ऑफ़ की और अलार्म ऑफ़ करते बराबर मेरी गंदी आदत है कि मैं मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करती हूँ। तो व्हाट्सएप जैसे मैंने चेक किया, मेरे मामा का मैसेज आके था व्हाट्सएप में ग्रुप में कि एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो मुझे ना बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट था, खुशी था कि देखना है सच्ची में हुआ या फिर नहीं। तो मैंने यूट्यूब ऑन किया और चेक किया, मेरे मोबाइल की बैटरी 11% थी क्योंकि रात भर चक के फिर मोबाइल यूज़ करके सोते हैं। तो सच में उसके बाद मैंने सुबह से टीवी चला के रखा था, अभी भी टीवी चालू था पर करंट चले गई तो बंद हो गया, तो बहुत खुशी हुई। अब जाके रियल में जस्टिस मिला है, अब आप लोग का ये रेस्ट इन पीस, इतना मतलब दर्दनाक मौत मिलने के बाद वो आत्मा भी कैसे शांति से मतलब रह सकती। और मेन तो मुझे सबसे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं। ये अच्छा हुआ कि मेरे हिसाब से उसी ने मतलब वही जो आत्मा तड़पी जहाँ पे वहीं पे इन लोगों को मौत मिली, वो बहुत ही खुशी की बात है। तो और हाँ, मीडिया के लिए मैं एक कहूँगी कि ठीक है आप जाके जो दिशा है उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीडिया इतनी मतलब पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए, TRP के लिए इतनी गिर चुकी है कि वो जाके जिनके बच्चे मर चुके हैं एनकाउंटर में उनसे इंटरव्यू ले रही है, बहुत गंदी बात है यार। माँ ने नहीं सिखाया बच्चे को कि जाके तू रेप कर, तो आप जाके वो माँ 9 महीने पाली है, पैदा की है, और कभी भी कोई भी माँ गलत नहीं सिखाएगी। तो वो माँ को अगर बच्चा मरता है तो दुख तो होगा, वो जाके उस माँ से इंटरव्यू कर रहे कि कैसा फील हो रहा है,
यार कैसा क्या फील होगा, वो माँ रो रही है, कह रही है कि प्लीज मुझे कुछ मत पूछो, मुझे किसी ने बताया है कि ऐसे मर गए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम, मत पूछो। फिर भी मीडिया इतनी घटिया है कि वो जा जाके उसको कैमरा, प्लीज़ बताइए क्या फील कर रहे। तेलुगु में है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर आप लोगों को बता दूँ तो सबसे घटिया कोई है तो वो है मीडिया, तो मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, बस ये कहूँगी। तो चलिए आज क्या क्या करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर आप में से कितनों की खुशी, कितनों को, सभी को खुशी हुई होगी ये जान के। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि फाइनली जस्टिस मिल गया, इतने जल्दी मिला, और जल्दी मिलना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया पर लास्टली मिल तो गया जस्टिस। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्या करूँगी। आज मैंने क्या बनाया, मैंने ना मटर, कल मेरे बच्चे ने मुझे चावल खाना है, मुझे रोटी खाना है, मुझे डोसा खाना है, इतने फरमाइश किए, फिर फाइनली उसने रोटी खाया और चावल पूरा मेरे पास वैसे ही रखा था, तो आज उसको फ्राइड राइस किया है तो वही खाया। अभी दोपहर के लिए देखते क्या बनाना है, अगर कुछ बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी और बोल भी नहीं सकती, ये वीडियो को कंटिन्यू करूँगी या फिर यहीं पर एंड करूँगी। अगर यहीं पर एंड करती हूँ तो अभी आप लोगों को बाय बाय बता देती हूँ, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले हमेशा 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 की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।